अरे मास्टर ने अपॉइंटमेंट था ना हमारे 7:30 बजे का, आए नहीं आए? हेलो बात समझिए का हम का कि जब मन में आए आए, जब मन में आए नहीं आए। अब नहीं आई है तो जुर्माना तो देना पड़े। अकेली लड़की देख कर का लंबी लंबी छोड़ है। अरे नहीं भैया, हम कहाँ, आपने आने की तकलीफ क्यों की, मुझे ही बुला लेते। चलो अब आए तो नजर तो उतार दें। क्यों का देख रहे हो बे? जानते नहीं हो ये लड़की हमारी कौन लगती है? भैया पहचानने में गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके साथ। हम नहीं हैं इनके साथ, ना तो हम इन्हें जानते ना ही हमारा कोई लेना देना इनके साथ। हम तो आपको जानते हैं ना मास्टर, बहुत जल्द पूरी दुनिया आपको जान जाएगी। भाई देख, ये फोटो देख रहा? हाँ दिखा दिखा। ये मैडम आई, क्या हुआ है? ऐसे हमें हंस के क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है बताओ ना हमें। परी शर्मा, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। डू यू नो, आपकी वजह से आज मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सब लोग हंस रहे हैं हम पर। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि उस बंटी चौहान की वजह से हम आपके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। डिस्गस्टिंग। कर रही है माँ जी, आप भी चप्पल के बदले अचार कैसे ले? अपने बच्चों को भी क्या अचार खिलाऊंगा? बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मैं तुझे चप्पल के बदले अचार दे रही हूँ। बहुत दुआ लगेगी तुझे बेटा। वो क्या है ना, मेरी मेरी बेटी की चप्पल टूट गई है। दुआ से पेट नहीं भरता माँ जी, अगर चप्पल खरीदनी है तो पैसे दीजिए, वरना यहाँ से चलते बनिए। धंधे का टाइम है, खराब मत कीजिए। चप्पल के बदले अचार, इतना बुरा सौदा नहीं है बे। और उल्लू के नाती, हमरे हाथों चप्पल खाने से अच्छा है कि अम्मा के हाथ का अचार खा लो। कितने पैसे हुए? 250। चलो बेटा चलिए, अच्छा है जिसको जो चाहिए था मिल गया। तुमको पैसे, हमको ये अचार और अम्मा को ये चप्पल। बहुत बढ़िया अचार लग रहा है, कटहल का है का? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज दूसरी बार तूने मेरी मदद की है। कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना, मैं तेरी मदद करूंगी। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ जो खुद की मदद ना कर पाए
भला वो हमारी मदद कैसे करेगा? और वैसे भी औरतों से मदद लेना हमारी शान के खिलाफ। इतनी कमजोर मत समझ बेटा औरतों को, औरत के बिना तो आदमी अधूरा है। पहली किलकारी वो माँ की गोद में ही मारता है और पहला कदम वो माँ की उंगली पकड़ के ही चलता है। चलती हो ये देखिए आ गई आप लोगों की लाडली। बहुत भरोसा करते हैं ना आप लोग अपनी इस लाडली पे, पूरे एफपॉक पे आपकी इस लाडली और उस लड़के के फोटो छाए हुए हैं। ये देखिए ध्यान से देख, तू ही है ना उस लड़के के साथ? आंख फाड़ के देख ले, देख अच्छे से देख। कब से बोल रही थी ना मैं कि इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। नाक दबा के रख दी आपकी इस लाली ने मेरी। काम के बहाने उस लड़के के साथ रंगरलियां मनाने जाया करती थी, हे प्रभु, कैसा कलयुग आ गया है ना। पति की चिता की राख ठंडी नहीं हुई, इस लड़की ने गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाना शुरू कर दिया। बस कीजिए मासीबा, बस कीजिए, अब इसके आगे नहीं सुन पाएंगे। मासीमा, हमारा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। अरे हम तो ये तक नहीं जानते कि वो है कौन। उसने हमारे साथ जबरदस्ती फोटो खिंचाई थी। वो गुंडा है शहर का। पापा पापा हमारा यकीन कीजिए, मासीमा जो कह रही है वो सच नहीं, हमारा यकीन कीजिए आप। मैं जानता हूँ बेटे, कोई कितना भी लांछन क्यों ना लगा दे, लेकिन मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पापा का सर नीचा हो जाए। क्या कह रहे हैं जी आप? बेटी के प्यार में आप इस कदर अंधे हो गए कि सच और झूठ का फर्क ही नजर नहीं आता, और एक साफ साफ झूठ बोल रही है ये। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? मैं ही झूठ बोल रही हूँ ना, मैं ही गलत बोलती हूँ ना इस घर में? आप दोनों बाप बेटी तो बिल्कुल सही है ना? आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये लीजिए, ये मिट्टी का तेल डाल दीजिए मेरे ऊपर और अभी आग लगा दीजिए मुझे, अभी मार डालिए मुझे। शर्म आती है मुझे घर से बाहर जाने में, जैसे घर से बाहर जाती हूँ जाने क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में। अरे क्यों खामखा बात को बढ़ा रही हो शशि? मैं बात को बढ़ा रही हूँ जी? आपकी लाडली इतना बड़ा कांड करके आई है, इससे सवाल पूछने के बजाय आप उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि मैंने छत पे एक लड़के को भागते हुए देखा था, और याद है ना, याद है ना आपको, उस दिन रात को 10:30 बजे जब ये लेट आई थी उसी लड़के से मिलने गई थी। जी हमारे भी बच्चे हैं, इसकी इस हरकत के चलते कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? अब बस बहुत हुआ जी, अब और सहन नहीं कर सकती मैं। फैसला आज ही हो जाए, या ये या मैं। मासीमा,
माथी मारूं जी, पापा। अरे ये क्या पागलपन है शशि? अरे ये क्या कर रही हो? बंद करो ये। रोज रोज बेइज्जत होने से तो बहुत अच्छा है ना कि आज ही मैं मर जाऊं, आज ही आपका टंटा खत्म हो जाए। मैं आपसे कह रही हूँ जी, इससे पूछिए कि क्या ये उस लड़के को यहाँ लाएगी और यहाँ लाके साबित कर पाएगी कि इसका और उस लड़के का कोई संबंध नहीं? चुप क्यों खड़े हैं यार? बोलिए ना, पूछेंगे आप इस लड़की से कि जिस सच का ये ढिंढोरा पीट रही है, क्या उसे ये साबित कर पाएगी? मैं कह रही हूँ पूछिए, वरना मैं अभी आग लगा के मर जाऊंगा। हमारा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है और हम ये सच साबित करके रहेंगे। वो लड़का खुद यहाँ आएगा हमारे सच की गवाही देने के लिए। ये वादा है हमारा। ट्रेलर आपने दिखाया, पूरी फिल्म हम दिखाई। जो चीज आपने शुरू की उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर ये फोटो हम फेसबुक में डाल दें या इंस्टाग्राम में डाल दें और बता दें कि आप हमारी गर्लफ्रेंड, तो रात मजबूर हो जाएंगे यार। पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा के आई है ये। बहादुर वो होता है जो हिम्मत नहीं हारता है। फिर मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी माँ। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं है, परी ताकत है। वो लड़का कितना भी बुरा क्यों ना, तेरी अच्छाई के आगे उसे झुकना ही होगा। बुराई की जीत कभी नहीं होता है बेटा। वो कहते हैं ना, सच थोड़ा परेशान हो सकता है पर हार नहीं सकता, कभी नहीं। मां, अगर आपका प्यार, आशीर्वाद, आपका साथ हमारे साथ हो तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तीन मोर भैया, तीन मोर। मार मार। 98। मतलब मर गए। मर गए। 94 को किसी की मदद नहीं चाहिए। 99। एक और। साहु कौन बोलेगा फिर? मनु, तुम्हारी सासू सा। अरे कौन आया है हमारे आउट हाउस में? पूरी खबर रखती है मास्टर नहीं आप हमारी? मास्टरनी को बंटी का दंडवत प्रणाम।
पार्ट 3। पंडित जी, हम आपसे हम जानते हैं मास्टरनी, आप यहाँ किस इरादे से आए? माफी मांगने के लिए आई है ना? पिछली बार मांग नहीं पाई थी, दिल से नहीं मांग, आप परेशानी में थे ना, लेकिन इस बार दिल से मांगने है ना? कोई बात नहीं मास्टरनी, हम भी पत्थर दिल नहीं रखते हैं। माफ कर दिया यार। अरे बेटा मनु। जी भैया। कल बेटा इनके घर गए थे तो इन्होंने हम पर नील वाला पानी फेंक दिया था और हमारी छींक छींक बहुत बुरा हाल हो गया। पर मिक्की, हम कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। रंगा सियार समझी है क्या हमको? बहुत डेरिंग है आप में, है ना? पर औरतों को इतनी डेरिंग शोभा नहीं देती हमारा। बेइज्जती का बदला बेइज्जती, पानी के बदले ठंडे ठंडे पानी से नहा रही है ये महारानी। बंटी भैया ने याद दिला दी कि नानी। सही कहा है शास्त्रों में, ढोल गवार पशु और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। बेटा मिक्की, इसका मतलब ये है जी भैया जी कि पशु गवार और औरतों को ना अपनी औकात में रखना चाहिए। क्या हुआ मास्टर ने? फीलिंग फ्रेश? क्या उन्हीं शास्त्रों में आपने ये नहीं सीखा कि नारी शक्ति का स्वरूप होती, जननी होती, जग जननी। अगर वो अन्नपूर्णा बनकर अपने बच्चों का पेट भर सकती है तो वही काली बनकर, चंडी बनकर बुराई का विनाश भी कर सकती है। और जो कुछ भी आपने हमारे साथ किया, अगर ठीक वैसा ही कोई आपकी बहन के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? सोच के बताइएगा जरूर। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर ये बंटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सीधी तरह तो बात नहीं बनेगी, अब कुछ करना पड़ेगा। नारी शक्ति का स्वरूप होती है, जननी होती है, जग जननी। जो कुछ भी आपने हमारे साथ किया, अगर ठीक वैसा ही कोई आपकी बहन के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा?
आराम से बेटा, आराम से। चलिए भैया, प्लीज रोना बंद करो। हाँ हाँ, बस हम घर ही तो जा रहे। भैया सीधा लीजिए, पहला राइट और फिर पहला लेफ्ट, जल्दी चलिए। अर्पिता, हमने तुम्हारी पट्टी कर दी है और अंदर मेडिसिन भी लगा दी है, अब तुम बस आराम करो, परेशान मत होना, ठीक है? मुझे भैया को फोन करके बताना पड़ेगा। अब ठीक है, तुम फोन कर लो और उनसे बोल दो कि तुम्हें यहीं पिक कर ले आकर। हाँ बोलो। वो मैं परी मैम के घर पे हूँ। जब खुद कमजोर पड़ गई तो हमारी बहन का इस्तेमाल करने का सोचा, छोड़ेंगे नहीं हमारा ये मास्टर नहीं।